जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से मिलते हैं सर? ये बड़े कमाल लग रहे हैं पर नहीं। और जैकी तुम तो मेरी याद में मुझे लगता है सूखी गई हो, बड़ी शार्प हो गई और लुकिंग सो ब्यूटीफुल जैकी। थैंक यू। तू फ्लर्ट मत कर ज्यादा। शुरू किया इस फिल्म में, इसने बहुत भूतों को पकड़ा है, कहीं तुझे ना पकड़ ले। हाँ। भूतों को पकड़ा। मेरे भी पड़ोसी मुझे प्यार से भूत भूत ही कहते हैं। अच्छा। यामी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी शादी हो गई। थैंक यू। हमने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखे, आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। यामी के हस्बैंड जो हैं बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं। आप सबने उरी फिल्म, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। थैंक यू। अच्छा, ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं कि फिल्म तो उरी की, फिल्म भी पूरी की, साथ साथ में फैमिली भी पूरी की। अच्छा, मैं तो ये बताइए कि ये जो उरी आप काम कर रही थी उसमें, तो उसमें धर साहब ने आपको धर लिया था कि ये धरपकड़ आपने शुरू की? कैसे, मतलब फिल्म के दौरान ही मुलाकात हुई आपकी? कमाल है, कितने सीरियस रिलेशन को भी आप कैसे हंसी हंसी में मतलब कर देते हैं। मैं कहता हूँ हंसी मजाक में जिंदगी निकल जाए वही अच्छी है। सही बात है। शगुन दीजिए, मेरा शगुन इकट्ठे करने आई हूँ यहाँ मैं। ये तभी पर्स पकड़ के रखा है, पर्स पकड़ के रखा है, समझ गया आपको? शगुन दीजिए। मेरा तो अपनी शादी पे जो खर्चा हुआ है मैं लॉस में जा रहा हूँ अभी तक, मेरे अपने शगुन नहीं वापस आए। आपने मेरे को शगुन नहीं दिया। तूने वहां लिखा था नो शगुन, नो फ्लावर्स, नो पैसे। मैंने ये तो नहीं लिखा था ना कि दुल्हन का नेकलेस भी उतार लो। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं कभी सैफ सर को बताया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ते थे, आपकी नई नई फिल्म आई थी पहचान, ओहो, तो मैं दो पोस्टर खरीद के लाया, तीन तीन रुपए के दो पोस्टर लाया था, लंबे लंबे बाल सैफ सर के और क्लीन शेव। तो पहचान फिल्म आपको याद है, आपका yes. वो गाना था ना, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? पता नहीं, बाथरूम जाना था शायद मुझे ऐसा लग रहा। यामी एक बात आपसे पूछनी थी, आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी, कि जहाँ 20 लोग खड़े थे वहाँ आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी। अच्छा। और उनके भी, इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल okay. में ही। ओके। बट उन्होंने कहा कि लिसन, जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट, एंड ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे खर्चा बचेगा, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें पार्टी चाहिए। आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं, जो देख रहे हैं आपका शो सब देखते हैं कि कहाँ सुनी माफ, अगर किसी की सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें माफ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, यू नो, है ना, मेरे चार बच्चे हैं, मेरी मैं बहुत डर लग रहा है। आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए। और नहीं, बट वो तो खैर ये मजाक था, बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी ही शादी होती, ये बेस्ट है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। आई एग्री। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे सब जानते ही हैं कि जैकलीन जो हैं ये पैदा बहरीन में हुई, घर इनका श्रीलंका में है। अच्छा। ननिहाल इनके जो हैं वो मलेशिया में है, पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करी, फिल्में इंडिया में कर रही हैं। तो फाइनली पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि असली मजा कपिल शर्मा शो में ही है? आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई केम ऑन द शो वाज 2015। I think वो ही शो में हमने शादी किया ना? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे नकली शादी थी। वो तो फोटो भी है मेरे पास, ये देखो सैफ सर, ये हमारी शादी हुई थी। बहुत इंटिमेट, बहुत इंटिमेट थी। पर वैसे जैकी, देखो यामी की तो शादी हो चुकी है, सैफ सर भी शादीशुदा है, आपसे ही मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका कल परसों एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद शादी का मन हो? एक हफ्ते बाद, दो साल बाद, डेढ़ साल बाद?
ठीक है तो लड़का कौन सी कंट्री का होना चाहिए आई थिंक इंडिया से कपिल इज अ वेरी हैप्पी मैन सडनली तू फिर भी गिनती में नहीं आता है तू परे हट मैंने कुछ बोला मैं तो ताली बजा रहा हूँ खुशी में कि वाह जैकलिन इंडिया में शादी करेगी आप क्यों इतना जलती है मेरे से तेरे से जलती नहीं हूँ मैं गिन्नी की सहेली हूँ हाँ बस मैं गिन्नी की शुभ चिंतक हूँ कितने पैसे लिए आपने उससे ये काम करने अच्छा यामी हमने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में या पता नहीं कहाँ पे कि यामी और आदित्य चाहते थे कि हम हनीमून पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं तो आपको किसी ने बताया नहीं कि फैमिली लेके नहीं जाते वहां पे जाके बनाते हैं आप जाए हनीमून पे या शादी करते फिल्मों में बिजी शादी करते फिल्मों में बिजी वो भी और मैं भी दिस इज माय फिफ्थ फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ सिंस शादी एक्चुअली हम दोनों ही थोड़े एक जैसे ही हैं इस मामले में भी हम बहुत बिलीव नहीं करते इसमें अगेन टू ईच इज़ और हनीमून और यहाँ जाना ही जाना है ठीक है अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर जाते हैं और अगर जाते भी तो ये भी हम दोनों की ही शर्त थी दैट सब साथ में जाएंगे मतलब ठीक है इट्स नाइस ना इट्स फन टू हैव फैमिली अराउंड एंड दैट्स इंटरेस्टिंग या रियली या ओके सैफ और कपिल तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं जी मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो तो मेरे कुछ सवाल हैं ओके सो बोथ ऑफ यू कपिल तू भी बेबी को जब बर्प करना होता है हाँ तो कैसे करते हैं ऐसे ऐसे कभी ऐसे 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 कपिल तू बता दूध पिलाया जब उसको उसको कंधे पे लगा के ऐसे यामी ऐसे कीप वॉचिंग अभी आपको काम आएगा तो ऐसे ऐसे करते हैं फिर बेबी छोटा सा करता है फिर ठीक है आपको असली में करने की क्या जरूरत थी और अगर आपने बर्प नहीं दिलवाया उसको तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर हाँ ये इट इज ट्रू मैं काफी बर्प करता हूँ सो आई थिंक द बेबी लर्न्स फ्रॉम यू हाउ टू बर्प वेल ओके सेकंड सवाल एक और है उसको जब यू नो दैट बेबी फूड खिलाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा है खिलाते खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत टेस्टी है कब पहले तो किया होगा तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा बेबी फूड खा के पेट नहीं निकलता पहली बात तो ये है और ये आप वाली आते हमारी नहीं बच्चे के खाना खा जाओ ऐसा होता है कभी सैफ सर पता नहीं मैं शुरू शुरू में मैंने किया होगा मतलब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम लेकिन उसके बाद अभी जो न्यूएस्ट अराइवल के साथ आई डोंट वांट टू ईट दिस बॉइल्ड एप्पल पर सैफ सर वो जो बच्चों का पैकेट वाला दूध आता है ना वो बड़ा टेस्टी होता है मैं डाक थोड़ा मुंह में जम जाता है ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है पर होता टेस्टी है एक दिन में बच्चे के डायपर कितनी बार बदलने पड़ते हैं 5 बार उससे भी ज्यादा आई थिंक न्यू बॉर्न बेबी है यार 20 times आई थिंक हां 20 टाइम्स हो सकता है नहीं मेरा मतलब डिपेंड करता है बच्चे की लिक्विड इनटेक कितना है कितना दूध पी रहा है दूध ही पीते हैं बच्चे 7-8 बार 8-9 बार हां मतलब यार कपिल तू तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया है तुझे बच्चे की गिन्नी ने क्या मैंने खुद पाले दोनों बच्चे हाय हाय हाँ ऐसे कैसे अच्छा बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है कैसे पता चलता है बच्चा रोएगा हाँ दैट्स अ गुड वन कपिल तू बता और कोई आजकल नए डायपर भी आ गए नहीं सुसु की स्मेल नहीं आती आप बॉडी की स्मेल नहीं आती आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर बच्चों के वो एक लाइन होती है वो ब्लू हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए ये देखो मैं कितने विचार पेश कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं देखो जमाना कितना बदल गया हम दो लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं दो लड़कियां खामोश बैठी हैं यहां पे बट दे डोंट हैव बेबीज ना अच्छा एक लास्ट सवाल कि बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है अरे अलग अलग गाने हैं वो वाला बोलो ना द नेशनल लोरी सॉन्ग लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी मैं गाता था एक गाना एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लालोबा है और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे उसने आँख खोल के बोला अब्बा प्लीज डोंट सिंग तो तब से मैं आई एम हैप्पी टू से बोथ द फादर्स हैव डन वेरी वेल कांग्रेचुलेशंस कोई गिफ्ट भी है कि खाली ऐसे सवाल पूछने की आप बस ओके थैंक यू मैम For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.